इन्होंने बहुत दिन तक इनकी लड़ाई होती रही और वो लिस्ट बाहर आई है तो लड़ाई भी बाहर आ गई है। अब जो ग्रुप अंदर लड़ रहे थे, अब आप देखना वो ग्रुप आप खुले में लड़ेंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई बहुत गहरी है। एक बार फिर हुड्डा ही बहुत साबित हुए तो चलो, ये तो पार्टी का वो नजरिया है, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि कभी फेक लिस्ट आ रही थी, कभी रोज नए नए नाम आते थे और कितने दिन लगातार घोषणाएं कर दी जाती थी। अनेकों इनके ऑफिशियल जो नेता थे उन्होंने घोषणा करी कि आज शाम तक आ जाएगी, पर वो नहीं आई क्योंकि अंदर लड़ाई बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा करा और बहुत अच्छी बात है। और ये जो लोग हारने के बाद रोने का बहाना बना रहे थे, अब उनको कोई और बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हारना तो उन्होंने है ही है। वीवीपैट का तो बता दिया कि भाई ये ठीक है, और देश तरक्की कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, और ये कुछ राजनीतिक दल पीछे जाना चाहते हैं, ये देश को भी पीछे लेके जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, इन्होंने पता नहीं झूठ बोलने की पीएचडी कहां से कर लिया। रोज झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते। अब ये बताएं कि ये जो 25 आदमी हैं वो अगर अरबपति बने तो कांग्रेस के राज में वो क्या थे? क्या तब अरबपति नहीं थे? इसकी दादी के राज में क्या थे? इसके पिताजी के राज में क्या थे? ये जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो उस वक्त भी थे और सबको पाला पोषा इन्होंने। पूरी बात बताता नहीं है, जो कि झूठ के पीएचडी है तो वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को इम्प्रेस किया जा सके, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। जेजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, ब्रज शर्मा नए प्रदेश अध्यक्ष। अब चलो, ये उन पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको बनाएं किसको ना बनाएं। अच्छी बात है, मिल गया तो।